नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट चले जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 50 किलो की आलू की बोरी का रेट है, यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। उससे पहले डॉक्टर दुलीचंद जी से बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जी बात का आज स्पेशल, क्योंकि बरसातें ज़्यादा हैं। और सबसे पहली बात बता दूं, कल दोपहर यहाँ बरसात शुरू हो गई थी दिल्ली में, जो रात के 7-8-9 बजे तक बरसात रही लगातार, 4-5 घंटे जड़ी लगी रही बिल्कुल बारीक। उसके कारण बाजार भी नहीं लगे, हो सकता है आज ग्राहक ही कम आए, पर घबराने की जरूरत नहीं है। चले जानते हैं डॉक्टर साहब से आज की क्या बात है जी। राम राम जी। भाजी राम राम। भाजी राम राम सभी भाइयों को राम राम मेरी। भाजी यहाँ पर तो कल बरसात हो गई थी अच्छी खासी जी। हाँ तो दोपहर से बरसात हुई है जी, आपके यहाँ सारा मामला गड़बड़ कर दिया। हाँ पर देखिए यूपी में, पूरा पूर्वी यूपी में बरसात होगी, सब अक्टूबर में लगाई गई है अब। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। अब पंजाब में काफी नुकसान हो रहा है, आलू लगता है गहल पानी गिर जाता है, आलू लगता है गहल पानी गिर जाता है। हाँ वहाँ तो बारिश कह रहे बहुत ही ज्यादा है जी, वहाँ पर तो बरसातें ज्यादा है, बहुत बड़ा नुकसान है। देखो हम बहुत दुखे मानते हैं, और जो किसान है जिम्मेदारों का नुकसान होता जा रहा है। पर जो हमारा हमारा गांव है ना जी, शॉर्टेज है। हाँ जी हाँ, तो बहुत दिक्कत से आलू लगा रहे हैं, घरों में बीज रखे हैं। हाँ जी हाँ, हो सकता है ये बहुत है, अब कोई बात नहीं है। पंजाब की फसल तो मोटा मोटी 20 रोज और यूपी की 1 महीने लेट होगी। अच्छा जी। और जो हमारा गांव है ना जी, वहाँ पर भी सारी नदी है बारिश से ऊपर से आ रही। शुगर फ्री वालों को जीवन दान मिल गया फिर दोबारा से। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। अब ये किसान लोग या व्यापारी लोग या स्टोर भाई वाले धीरे धीरे आलू निकालने, बहुत धीरे धीरे। अच्छा जी। दिल्ली मंडी में जाए जा 60-70 गाड़ी से ऊपर ना भेजे, लास्ट 80 गाड़ी पर। यहाँ तो आज भी जी, यहाँ तो आज भी 112 गाड़ी होगी जी। देखो ये तो थोड़ी भूल चूक कर ली ना। हाँ जी। 112 गाड़ी में ये 30 गाड़ी खत्म कर देते, 80 गाड़ी बहुत थी। अच्छा जी। अब ये लगा लो 112 गाड़ी कल थे, 90 गाड़ी आज नहीं की आई है, 22 गाड़ी कल बैलेंस बता रहे थे। हाँ जी हाँ जी। ये 70 गाड़ी आनी थी बस, ये खुद ही अपने को नुकसान कर रहे भैया, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत परमात्मा ने बहुत वो खोल दिया। और अच्छा वो जो बंगाल की रिपोर्ट आ रही जी, बंगाल की रिपोर्ट आई उसका क्या है जी? है जी, जो बंगाल की रिपोर्ट आ रही कि बंगाल में आलू जाएगा, बंगाल की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोदी जी ने अपना खोल दिया, आलू जितना ले उतना दो बांग्लादेश। अच्छा जी। और कैश पेमेंट जा रहा है टोटल। अच्छा जी। कोई उधारी नहीं जा रही है, कल भी कम से कम मेरे ख्याल है 60-70 गाड़ी गई है अंदर। हाँ जी। और अब हरी झंडी दिखा दी है। अच्छा जी अच्छा। हाँ तो इससे असर पड़ेगा जी कुछ? अब बहुत असर पड़ेगा जी, 2-2.5-3 करोड़ आलू जाएगा तो असर पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ जी, इसकी तो एक रूमर ही बहुत होती है आलू की। अच्छा जी अच्छा। मेन जो दिक्कत पड़ रही बस ये शुगर फ्री में पड़ रही जी, शुगर फ्री जरूरत के हिसाब से ज्यादा है। आलू को देखो घबरा में नहीं। अच्छा जी। बहुत धीरे धीरे आलू चलावे, और ये लगता है जो माल शॉर्टेज करेंगे ये अब भेजना। हाँ जी। तो 17 तारीख के हमारे गनागत है, तो उन्होंने रेट बढ़ना चालू हो जाएगा 10-10-20-50 रुपए। अच्छा जी अच्छा। जहाँ से रेट आए थे वहाँ वापसी है, ऊपर परमात्मा मालिक है। अच्छा जी अच्छा। हाँ, जिन किसानों का नुकसान हुआ उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। चलो जी धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हौसला बढ़ाने के लिए, जानकारी देने के लिए जी। बरसातें बाकी ज्यादा जी, हमारे गांव में धान की सारी फसलें डूब गई जी उधर। भाजी राम राम जी। राम राम जी। राणा जी राम राम जी। भाजी आज की क्या रिपोर्ट है जी? गाड़ियां तो कह रहे जी आज फिर ज्यादा आई जी। कोई ज्यादा नहीं है, 112 गाड़ी है। अच्छा जी। 22 गाड़ी कल की बैलेंस है। अच्छा जी। 90 गाड़ी आई। 90 गाड़ी है और मौसम ठंडा है। हाँ जी। कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा जी। जो इसमें सब लोग 80 गाड़ियां जाती और बढ़िया रहती, टोटल 80 होती जो आती तो बढ़िया, लेकिन अब जिसको जरूरत है वो तो राणा जी भेजेगा। अच्छा जी। हर आदमी अपनी बुद्धि विवेक से अपनी जरूरत से काम कर रहा है। अच्छा जी। आपने जो कहना था कह चुके। अच्छा, अब हम और कुछ नहीं कहेंगे, कोई भेजे या ना भेजे। अच्छा ये बात बताओ जी, जैसे पीछे सारे में कह रहे की बरसातें भी हुई, बंगाल भी आलू की डिमांड कर रहा जी, बंगाल में भी जाएंगे। हम तो राणा जी कह रहे हैं आलू में मंदा नहीं होना चाहिए, इस भाव का तो बिकना चाहिए, लेकिन फिर भी अब जिसकी जरूरत है वो क्या करे। मेरे को अभी जरूरत है, मेरे पास 2 गाड़ी माल पड़ा है, तो मैं आपसे ब्याज पे या कैसे क्यों मांगू?
ठीक है जी, मैं अपनी गाड़ी बेच के 150 रुपये कमती बढ़ती करके अपना जरूरत को पूरी करूंगा। ठीक है जी, अब हमने तो जो समझाना था समझा चुके हैं। ठीक है जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, जैसे कल से और आज में क्या डिफरेंस है? कोई मंदा नहीं है राणा जी, आलू का कोई मंदा नहीं है, चाहे गाड़ी 112 है फिर भी कोई मंदा नहीं है। अच्छा जी, बढ़िया, आलू का भाव 10-20 रुपये तेजी है, कोई मुलायम नहीं है। वाह जी वाह, मौसम भी बहुत ठंडा है आज। एक बात है जी, जैसा ठंड बढ़ गई जी मौसम, इस हिसाब से आलू की बिक्री बढ़ जाएगी जी? आलू की बिक्री बढ़ जाएगी, और अब ज़्यादा राणा जी मेरे हिसाब से ज़्यादा आलू मजबूत आदमियों के पास और बढ़िया आलू है। ठीक है, हल्के आलू तकरीबन निकल चुके हैं। अच्छा जी, जिसके पास हल्का आलू था वो अपना निकाल चुका है। अच्छा जी, अब बढ़िया आलू है और बढ़िया आदमियों के पास आलू है। ठीक है जी, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी बुद्धि विवेक के हिसाब से काम करते रहें। ठीक है जी, ठीक है। मौसम ठंडा है, 122 गाड़ी है, मेरे हिसाब से कोई माल ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, काफ़ी माल बिकेगा आज। ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम लगता है ना बाज़ार बनने में, अभी नीचे का बैलेंस थोड़ा कम हो जाए। ठीक है जी, तो जो है कल ये सब लोग दोपहर बाद 4-5 घंटे की जड़ी लगी बरसात, हो इसका असर फर्क पड़ता है ना बरसात का। अच्छा जी, जिनका पड़ा आलू का ले गए वहाँ यहीं पड़ा। ठीक है जी, जो रेड़ी पटरी वाले ले जाते हैं वो फिर बरसात में कहाँ बेचेंगे, जिसकी पक्की दुकान है वो तो बेच लेगा। ठीक है, जो बाज़ारों में लगते हैं जैसे जमुना पार में बहुत बाज़ार लगते हैं, बुधवार का बाज़ार है, वीरवार का बाज़ार है, इतवार का बाज़ार है, हर जगह अलग अलग बाज़ार लगते हैं। अच्छा जी, तो वो फिर बाज़ार उस दिन का कैंसिल हो जाता है जिस दिन बारिश हो। ठीक है जी, क्योंकि तो खुले आसमान में लगते हैं इसलिए उस दिन का बाज़ार कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी, बाकी मेरी तो सब भाइयों से यही प्रार्थना है कि आलू को घबरा के ना बेचें, जिसको जरूरत है वो तो ज़रूर बेचे। ठीक है जी, और जिसको कम रेट लगता है अभी आगे जाके कम हो जाएगा वो भी बेचे, हमारा कहना कोई ना माने, किसी को घाटा हो जाएगा हम भरपाई नहीं कर सकते उसकी। ठीक है, किसी का फायदा होगा हम मांगने नहीं जाएंगे, हम तो रोज की करंट रिपोर्ट देने वाले हैं। ठीक है, और अपनी सलाह देने वाले हैं। बहुत बढ़िया सलाह जी, कल भी दी, जान आ गई जी सारों पे जी। बस मेरे हिसाब से अभी 10 दिन तो पंजाब ऊना का लेट है ही है आलू। अच्छा जी, और बाकी देखो अभी कुदरत का क्या करिश्मा होता है, 10 दिन में बहुत आलू राणा साहब निकल जाता है। ठीक है जी, 10 दिन में बहुत खपत हो जाती है। और पीछे आलू भी तो काफ़ी निकला जी, जोन सी भागा दौड़ो ही पीछे घबराए, काफ़ी माल निकल गया जी इसमें भी। माल तो काफ़ी निकल रहा है लेकिन और निकलेगा, अब जैसे आज मौसम ठंडा है, सब्जियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं, कल मैंने शिमला मिर्च घर के लिए खरीदी 120 रुपये किलो है। सब्जियाँ तो आज मंडी में आग लगी, पर आज मेरी 120 रुपये किलो रिटेल में अपने घर के लिए खरीदी मैंने। सारे आड़तिया सुबह बेले बैठे जी सारी सब्जियाँ, जो आज से हफ्ता 10 दिन पहले 50 या 60 रुपये किलो। ठीक है जी, 120 रुपये किलो खरीदी है। सब्जियाँ महंगी होंगी तो आलू में स्वाद भी आएगा, अब जैसे आज मौसम ठंडा है कचौड़ी पकौड़े खाने में दिल कर रहा है आदमी का। ठीक है जी, थोड़ा मौसम ठंडा होगा तो आलू की बिक्री बढ़ेगी, कोई ऐसी घबराने की मेरे हिसाब से बात जरूरत नहीं है किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, स्टोर मालिकों को, फिर भी वो अपने बुद्धि विवेक से काम करें, हमारा कहना ना माने, कल को बाजार डाउन हो गया हम उनकी भरपाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, और ज़्यादा हो गया तो हमसे मांगने भी नहीं जाएंगे। ठीक है जी, हम तो रोज़ के रोज़ फ्री में सलाह देने वाले हैं, कोई हमें सलाह देने का पैसा नहीं मिलता, जिसको अच्छी लगे वो मान ले, जिसको नहीं अच्छी लगे वो हमारा वीडियो बेशक मत देखे। ठीक है जी, आज की क्या है, आज का कुछ तो बता दो जी, क्या सोना की है राणा जी? 34 गाड़ी। ठीक है जी, सूर्य की है 17 गाड़ी, ये समझ लो 51 गाड़ी हैं सूर्य और चिपसोना की मिला के। ठीक है जी, 122 में 51 तो ये हैं, और संभल की है 5 गाड़ी जी, LR भी आज कम हो गया, 6 गाड़ी हैं। अच्छा, LR की LR कम क्यों है जी? नहीं पड़ता लग रहा अब हर आदमी, ये राणा जी देखो हवा की तेजी होती है, हवा का मंदा होता है, मेरे को 50 साल हो गए इस लाइन में यहाँ बैठे बैठे ही आजादपुर मंडी में, ये हवा की तेज़ी होती है, हवा का मंदा होता है, अब जिसकी जरूरत थी जितनी वो अपनी पूरी कर चुका है, किसान बीज भी निकलवा चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं, अब है। जिसके पास आलू पड़ा है एक तो बढ़िया क्वालिटी का पड़ा है। ठीक है जी, और थोड़ा हौसले वाले आदमी का पास पड़ा है, चाहे किसी के पास 50 कट्टे भी हैं उसका हौसला मजबूत है, उसने अपनी जरूरत पूरी कर ली है, वो कहता है मैं 50 का रिस्क तो ले ही लूँ। ठीक है जी, कुछ मैंने 1000 में बेचा है, कोई 1500 में, 1400 में बेचा है, 1200 में बेचा है, हर भाव बेचा है, तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले लूँ। ठीक है जी, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, आलू बढ़िया है,
कोई ऐसी बात नहीं है, बिक्री बढ़ेगी। अच्छा, एक दो दिन अगर ऐसा मौसम और रहा तो आलू की बिक्री बढ़ेगी, कोई घबराने की बात नहीं है। तो आज रेट बढ़ेंगे जी कुछ थोड़े बहुत? देखो जी, LR की आज घट गई हैं, 6 गाड़ी रह गई हैं। हाँ जी। और स्टोर की हैं जी 44 गाड़ी। स्टोर की 44 गाड़ी, अलीगढ़, आथरस, इकलास, ये सारी मिला के। और पंजाब की हैं जी 5 गाड़ी। ठीक है जी। एक गाड़ी डायमंड की है जी। कुल मिला के 112 गाड़ी हैं, उसमें 22 गाड़ी कल की बैलेंस है। ठीक है जी। ये नीचे का बैलेंस एक दो दिन में कम हो जाए, जो 10,000 कट्टा है वो 5 रह जाए, तो फिर आज भी बढ़िया आलू में 10-20 रुपये तो फालतू मांग ही रहे हैं हम। ठीक है जी। अब दे ना दे गाहक उसकी मर्जी है, लेकिन बढ़िया आलू में 10-20 रुपये जरूर देगा गाहक। चलो बढ़िया जी, बढ़िया। लो जी, बढ़िया आलू में तेजी है जी दोस्तों। अभी रेट तो नहीं खुले, पर बढ़िया आलू तेजी बिकेगा जी, कम नहीं जाएगा। और अब तो आई जी सारे बढ़िया ही हैं जी, आप कह रहे घटिया तो बहुत ही कम रह गए जी। अब घटिया कम आएगी यहाँ वाले। घटिया का मतलब है भी जो ये हाइब्रिड हो गए या फिर जिनको आप स्टोर के आलू बोलते हैं जी, घटिया तो नहीं है कोई चीज़। अब आगे थोड़ा मौसम और ठंडा हो जाएगा तो गीला आलू भी बिकने लगेगा। ठीक है जी। अभी तक गीला नहीं बिक रहा। अच्छा, तो सुखाने में भी 50 से लेके 100 रुपये तक का खर्चा पड़ जाता है किसान को, व्यापारी को। अच्छा, अब थोड़े दिन के बाद गीला भी बिकना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे 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 अपनी जरूरत के हिसाब से बेचते रहें, कोई घबराने की मेरे हिसाब से बात नहीं है। फिर भी हर आदमी उसका माल है, अपना मालिक, माल का मालिक वो है, वो जब मर्जी बेचे, अभी बेचे, महीने बाद बेचे। अभी 200 से लेके 2.5 महीने तक पूरे हैं आलू के। ठीक है जी। कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे 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 करके बेचते रहे अपने। धन्यवाद भाव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।